दोस्तों चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों औरत के ऐसे सोने पर लोग हो जाते हैं करोड़पति, किस प्रकार से आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आपको ये भी पता नहीं होगा कि औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आती है, और जब औरत रात के समय ऐसे सोती है और सुबह में ये काम करती है तो यकीन मानिए ये मैं नहीं कहता बल्कि शास्त्र कहता है वो घर सबसे जल्दी करोड़पति भी बन सकता है। दोस्तों नींद एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के लिए बहुत ही जरूरी होती है। जब हम कुछ घंटों सो जाते हैं तो हमारे शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है और पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, फिर हमारे अंदर दोबारा काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। दोस्तों वैसे तो सोने का सभी का एक अनुमानित टाइम फिक्स होता है, लेकिन कई बार ये नींद इतनी जोर से आती है कि व्यक्ति कभी भी और कहीं भी सो जाता है। दोस्तों सोना व्यक्ति के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना कि खाने के लिए भोजन। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई भी रोक नहीं सकता, और ये बात शास्त्रों में भी लिखी हुई है, इसीलिए आप भी जान लें और रात में सोते समय ये काम जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे। दोस्तों कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर एक, दोस्तों शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि देर रात तक सोने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार देर रात बेवजह अगर कोई महिला जागती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक नहीं जागना चाहिए, ऐसा करने से दोष लगता है, इसीलिए सुबह जल्दी ही उठ जाना चाहिए। नंबर दो, दोस्तों धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं तो वहां पर कभी भी राहु केतु और शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती है तो सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं, इसीलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों को न्योता देने के बराबर होता है। नंबर तीन, जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो नकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपनों में आकर या फिर आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, क्योंकि इससे कामयाबी मिलती है। नंबर चार, दोस्तों सबसे भारी दोष और भयंकर बर्बादी का कारण बनता है, इसीलिए मंगलवार शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके जल्दी उठने की कोशिश करें। यह समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठना व्यक्ति पर कई सारे दोष लगा देता है जो कि उसे कभी भी बर्बाद कर सकते हैं। नंबर पांच, दोस्तों आप बात करते हैं कि सुबह में आखिर सही मुहूर्त समय क्या है, किस समय आपको उठना चाहिए, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त यानी इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सुबह उठने का सही समय 4 से 5:30 बजे का माना जाता है। इस समय उठना मतलब कि कामयाबी को दर्शाता है। इस समय उठने वाला व्यक्ति देवताओं और माता लक्ष्मी का प्रिय होता है। दोस्तों जरूरी जानकारी, जब कोई महिला पूरब और दक्षिण दिशा में सर करके सोती है तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है। खुशियां घर में ऐसे आती हैं जैसे मानो बरसता हुआ पानी। इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए।
दोस्तों, जो जागता है वही पाता है और जो सोता है वो खो देता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में अपना वास बना लें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय माता लक्ष्मी, माता रानी आपके घर से कभी ना जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।